चिकुमिकु दुई भाई भौनी थांती किछि वर्ष पूर्वरु तांको बापा मा गोटे दुर्घटना रे मरी जाई थांती। चिकुमिकुर बड़ भाई थाए बापा मा नथिले भी चिकुमिकु को केबे भी बापा मांको अभाव को अनुभव करिबाकु दिएनी। सेता भौनीर बहुत भल से जत्न नेउथाय आउ ता भौनीर बाहागर केमिति भलरे करिबो से चिंता सबुबेले करुथाय। भाई मते सोसो लागिलेनी मु नदी को जाउछि टिके पानी पीके पळे आसीबी। मु सुन्ना भौणी तू जा हेले जल्दी पळे आसीबु बाहरे दुष्ट पक्षी माने बुलुछंती। मिक्कु नदी को पानी पीबा पई पळे जाय। सेही समय रे शांति पारा चिक्कुर घर को पळे आसे। अरे चिक्कु आम कुकु पई गोटे भलो प्रस्ताव नेकि आसीछि। से पुओटा बहुत धनी से आख पाख एरिया रे से पुओटु धनी केही भी नहंती। आम कुकु सेठारे बाहा हेले बहुत सुखेर रहिबो। तू जदि राजी हुअंतु ताले कथा मु आगु को बढ़ती। माउसी बापा माँ चली गला परे मु मो भौणी आखिरे टिके भी लुहा आसीबा को देइनी। मोर गोटिए बोली स्वप्न मो भौणी केंति गोटे भलो घरे बाहा हेइ जाउ। तमे जदि कहुछ से भलो घर बोली ताले कथा आगु को बढ़ाओ मोर किछि आपत्ति नहीं। अरे पो चिक्कु घर तो बहुत भलो घर हेले बाहा घर पई तते किछि करबा को पड़िबो। माउसी कौन करबा को पड़िबो मते कुह जहा करिया को पड़िबो मु करबी। कथा कण की पुओ चिक्कु तते टिके जौतुक दबा को पड़िबो 50,000 टंका गोटे गाड़ी आ घरर जिंस पत्र सब तू जदि एतिकि देइ पारिबु ताहले कह मु कथा आगु को बढ़ेबी। माउसी से कथा मो ऊपर छाड़ी दियो मु से सब देइ पारिबी तमे बाहागर कथा आगु को बढ़ाओ। तापरे शांति पारा सेठारो पळे जाय। सेही समय रे मिक्कु नदीरु पानी पी घर को फेरी आसे। चिक्कु केबे भी ता भौणी को जणायनि कि से माने करिबो बोली। ता भौणी जेते बेले चाहा माके चिक्कु सब किछि आनी ता भौणी को दिए। मिक्कु आज बुलबुल माउसी आसीथिले तो बाहागर पई गोटे भलो धनी घर प्रस्ताव नेकि आछंती। तू कोन कहुचु मो भाई को गरीब जे मो भाई भी धनी मो भाई को पाखरे सब अछि मु जत्ते बेले जहां मागिले मो भाई भी मते दे दउछंती। भाई तमे जेउठी कहिबो मु सेइठी बाहाई जेबी। चिक्कु केमिति बा कहिबो त भौणी को कि से त भौणी रो खुशी पई निज खुशी को भी भूली जाए। राती है जाए ओ मिक्कु सोई पड़ी थाए। हेले चिक्कु घर सामनारे बसी ता भौणी रो बाहागर केमिति करिबो सेई कथा चिंता करू थाए। जौतुक देबा पाई भी चिक्कु पाखरे किछि न थाए। मो सबु बेले चाहू छी कि मो भौणी गोटे धनी परिवार रे बहाउ मो भौणी सबु बेले खुशी रे रहू हेले जौतुक दबा पाई मो पाखरे किछि भी नाही। हे प्रभु आपण मते किछि उपाय दियंतु। राती पाही सकाळ हुए चिक्कु कालू सांतंक पाखकु पळे जाय। सांते आपणक पाखकु मु किछि टंका नबा पई आसीछि ता बदल रे आपण मु घरटाकु नै जांतु। अरे पुआ चिक्कु ठीक अछि तू जदि तो घर बिक्री करी मोठारो टंका नबा पई चाहुचु ताहले मोर किछि आपत्ति नाही। तो घर देई दे आ मोठारो टंका नै जा। सांते मो उपरे आउ टिके दया करिवे मो भौणीर बाहागर पई से घर टिके मु बिक्री करूछि। मो भौणी बाहागर न सरीबा जाय आपण टिके आम दुई जण को से घरे रहिया पई अनुमति देबे। कालू सांत चिक्कु कथारे राजी हे जाय। हौ ठीक अछि एई टंका ने तो भौणी बाहागर सरला परे तू से घर को छाड़ी देबु। चिक्कु से टंका को ने घर को पळे आसे। किछि दिन परे चिक्कु ता भौणीर बाहागर करि दिए। चिक्कु जौतुक बाबद को जहा जहा दरकार सब किणी सारि थाए। मिक्कु भी बहुत खुशी थाए काहिंकि ना से गोटे धनी पक्षी को बाहा हो थाए। वाओ केते सुंदर आउ बड़ घर हेछि मु भाई पाखरे भी एते सुंदर बड़ घर नाही। ए अंचल रो सबुठारु धनी घर को तमे बहु हेई आसीछ आजि ठारु तमे महारानी हेकि रहिबो। ए नियो मीठा मीठा फल अछि खाइ नियो। किछि दिन परे चिक्कु ता भौणी को देखिबा पई जाय। ता भौणी को देखि चिक्कु बहुत खुशी हे जाय। भाई तमे न कहि कि एमति केमति पळे आसीछ एटा गोटे धनी परिवार ए धनी परिवार को गरीब माने एमति न कहि कि आसंतिनी आ निज देह को देखुछ केते असना हेछि तमे असना देह नै केमति आसिलो मो घर को। ता भौणी ठारु एमिति कथा सुनी चिक्कु को बहुत बाधे
ତା ଭଉଣୀ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏମିତି ବଦଳିଯିବ ଚିକୁ କେବେ ବି ଭାବିନଥାଏ। ନାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗରିବ ମାନେ ଧନୀ ଘରକୁ ଏମିତି ନ କହିକି ଆସନ୍ତିନି ବୋଲି। ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ ଭଉଣୀ। ଶୁଣ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ଆସିବ, ଆଉ ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିବ। ତାପରେ ଚିକୁ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସେ। କାଳୁ ସାଆନ୍ତ ବି ଚିକୁର ଘର ପାଖରେ ଚିକୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାଏ। ଆରେ ପୁଅ ଚିକୁ, ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପରେ ତୁ ଘର ଖାଲି କରିଦେବୁ ବୋଲି। ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ତ ସରିଗଲା, ତୁ ଏବେ ଘର ଖାଲି କରିଦେ। ତାପରେ ଚିକୁ କାଳୁ ସାଆନ୍ତକୁ ଘର ଦେଇ ତା ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇଯାଏ। ମିକୁ ଧନୀ ଘରେ ବାହା ହୋଇ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ଶୁଣ, ଆଜି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଖିଆପିଆ କରିକି ଆସିବା ପାଇଁ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ, ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଖାଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ମିକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇ ଘରକୁ ଫେରେ। ସେପଟେ ଚିକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଛୋଟ ବସାଟିଏ କରି ରହୁଥାଏ। ଯେଉଁ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୋ ନିଜ ଖୁସିକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଭଉଣୀ ଅପମାନ କରି ତା ଘରୁ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲା। ହଉ, ତଥାପି ବି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ବଜାର ଯାଇଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ଶାନ୍ତିପାରା ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆରେ ମା ମିକୁ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଏମିତି କହି ଶାନ୍ତିପାରା ମିକୁକୁ ଟିକେ କୋଳେଇ ନିଏ। ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ଦେହରେ ଦେହ ଲଗେଇବାକୁ? କେତେ ଅସନା ଦେହଟା ଆଣିକି ମୋ ଦେହରେ ଲଗେଇଲ, ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଲଗେଇଥିଲି, ମୋ ଦେହଟାକୁ ପୁରା ଅସନା କରିଦେଲ। ମିକୁ ଠାରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଶାନ୍ତିପାରା ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଏ। ଛି ମିକୁ ଛି, ତୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛୁ। ଏ ଧନୀ ପରିବାରରେ ବୁଝିକି ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରେଇଥିଲି, ଆଉ ତୁ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ? ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାହାଘରର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ନିଜ ଘରକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଏତେ ଗର୍ବ କରିବାଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଭଗବାନ ବି ତତେ କ୍ଷମା କରିବେନି। ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସକେ ଏମିତି କହି ଶାନ୍ତିପାରା ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ମିକୁ ଶାନ୍ତିପାରାକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହେ। ଇଏ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସେ ସବୁ କ'ଣ ସତ? ତମ ବାହାଘରର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ କ'ଣ ନିଜ ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏ ସବୁ କଥା ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ଯଦି ଏ କଥା ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛି, ମୋ ନିଜ ଉପରେ ମୋର ଘୃଣା ବି ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ମିକୁ ଡେରି ନ କରି ତା ଭାଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଏ, ହେଲେ ସେଠାରେ କାଳୁ ସାଆନ୍ତ ରହୁଥାଏ। ଅଙ୍କଲ, ତମେ କ'ଣ ଆମ ଘରେ? ମୋ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଲୋ ଝିଅ, ତୋ ବାହାଘରର ଯୌତୁକ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଏ ଘରକୁ ମୋତେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଟିକେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ତୋ ଭାଇ ସେଇଠି ବସା କରି ରହୁଛି। ତାପରେ ମିକୁ ସେ ବରଗଛରେ ରହୁଥିବା ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଏ। ଭାଇ, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୁଁ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, ତମକୁ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିଛ, ନିଜ ରହୁଥିବା ଘରଟିକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ। ନାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁ ପରା ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି ସେଇଟା ତମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲୁ? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋ ଖୁସି ହିଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ତୁ ଠିକ କହୁଥିଲୁ, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବେନି। ଦୟାକରି ତମେ ଏମିତି କୁହନି ଭାଇ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ତମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଭାଇ, ତମେ ଚାଲ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ନାଇଁ ଲୋ ଭଉଣୀ, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ତୁ ଯା ଖୁସିରେ ଘର ସଂସାର କର। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯଦି ଏଇଆ ଅଛି, ଏଇ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବି। ମିକୁ ତା ଭାଇକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେ କହେ ହେଲେ ତା ଭାଇ ରାଜି ହୁଏନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ମିକୁ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ, ହେଲେ ସେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନଥାଏ। ଯେଉଁ ଭାଇ ନିଜ ଖୁସି ଭୁଲି ତା ଭଉଣୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଛି, ସେଇ ଭାଇକୁ ସେ ଅପମାନ କରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଥାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରାଜୁ ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଜୁ।
राजु बहुत साधारण थाए। से ता बापा मांकर सब कथा मानि चलु थाए। हेले अजु बहुत दुष्ट थाए। से ता बापा मांकर किछि भी कथा सुनेनी। सब बेले किछि ना किछि दुष्टामी करु थाए। पुअ राजु, अजु आमे दाना आनिया पई बाहर को जाउचु। तमे घरे रहिब, घरु बाहर को बिल्कुल भी जीवनी। मामा, आम सांग मैंने तो सब बाहर बुलुंती, बाहर भी खेलुंती, आउ संध्या बेल को जाई घर को आसुंती। तमे कहीं आम को बाहर को छाड़ी दौन? आरे पुअ अजु, तमे एबे बहुत छोटो अछ, बाहर दुनिया विषय तमे किछि भी जानिन। बाहर दुनिया रे बहुत खराब पक्षी मैंने बुलुंती। आमे चाहुनु कि तमे से खराब पक्षी मानक सहित मिसी किछि खराब कथा सिक। एमिति कहि बापा चढ़े ओ मा चढ़े खाद्य संग्रह रे बाहर को पळे जानती। भाई, तमे मामा बापा को एमिति हैरान काहि करूच? मामा बापा त हम भलो पई सब कहउछंती ना। जाइलु राजु, तू चुप कर। बापा मामा को कथा सुनि कि तम मुंड खराब हे गेलानी। तू एमिति कहि कि मो मुंड को बेसी खराब करनी। गोरी काउरो पुओ जग्गु झरका सेपटे रही दुई भाईंकर सब कथा सुनु थाए। आरे राजु अजु, सब बेले एमती कोन घरे बसिकी रहुच? चल जीवा मिट्टू सो आंब बगीचारू आंब चोरी करी खाइबा। तू तोर जा आंब चोरी करी खाइबू, आमर से चोरी आंब दरकार नहीं। आरे तमे जानिन से मिट्टू सो बगीचारे पूरा भारी मीठा मीठा आंब अछि। तुम जदि थरे खाइब तुम पाटिलु से आंब छाड़बनि। अच्छा जगु, आम जदि एबे आंब खाइबा जीवा केते बेल घर को पुणी आसीबा? आरे ई पाखेरे पूरा मिट्टू सो आंब बगीचाटा, आमे गले घंटे भितर फेरी आसीबा घर को। राजु, तू तोर नजा, मु चालिले जगु सह आंब खाइबा। बापा मामा आसीबा पूर्वर मु घर को फेरी आसीबी। भाई, बापा मामा जदि एक कथा जानिबे तुमको बहुत बाड़ेबे। मामा भी सब बेले कहंती ना चोरी करिबाटा भलो काम नुह बोली। तमे कि एमती जाऊच जगु सहित आंब चोरी करिया पाई? तू एमती भाषण दबा बंद कर। तू जदि न कहिबू बापा मामा जानी परिबेन ना। आ तू जदि कहिथु बापा मामा को ताले म आसिले तो कथा बुझिबे। ए राजुर किछि कथा न सुनी अजु जगु सह आंब चोरी करिबा पाई पळेई जाय। से माने जाय मिट्टू सुआर आंब बगीचा पाखरे लुचिके बसी पडंती। आरे अजु, तू जा मिट्टू सु आंब गछर आंब नेके आसे। मु एठी रही कि मिट्टू सुआ उपरे नजर रखुची। नाई नाई जगु, चल आमे दि जण सांग होइकि जिबा आउ मिसिकि आंब नेकि आसीबा। आरे अजु, एमती तो आमे सांग होइकि आंब आनिया पई गले आमे तो धरा पड़ी जिबा। तू आज आंब आनिया पई जा, मु मिट्टू सुआ उपरे नजर रखुची। मु काली आंब आनिया पई जिबी, तू मिट्टू सुआ उपरे नजर रखिबू। एमती आमे जदि जिबा ताहले आमे केबे भी धरा पड़िबानी। ता परे अजु आंब आनिबा पई मिट्टू सुआर आंब गछ को पळेई जाय। ओ गोटिए आंब नेई आसे। से आंब को आनी जगु पाखरे रखी दिए। तापरे आउ गोटिए आंब आनिबा पाई आंब गछ पाख को पळेई जाय। सेही समय रे मिट्टू सुआ आंब बगीचा को आसुथिबार जगु देखी दिए। आरे मिट्टू सुआ तो पळेई आसिलानी, मु जदि एठी रहिबी मु तो ताहले धरा पड़ी जीवी। मते तो गोटे आंब मिली गला, जाउची आंब को नेई मु घर को पळेईबी। तापरे जगु सेई कोटी आंब नेई सेठारु पळेई जाय। आरे हे, एई माने ताहले सबु बेले मा आंब बगीचा को आसीकी आंब चोरी करी खाउछंती। मु कहूची आंब सबु मोर जाउची कुआडे। आजि तो चोर धरा पडिची, रहरे पुओ तते दोउची आजि पाने। एमिति कहि मिट्टू सुआ अच्छु पाख को पळेई जाय। मिट्टू अंकल, मते छाडी दियो, मु त प्रथम थोर पई तमा आंब बगीचा को आसीची। मु त मोर घरे थिली, मते जगु काउ डाकी के एठा को आनिला। हई रे बाळुंगा, कोन कहिलु तते मु छाडी देबी? मु केते कष्ट रे आंब फळौची, तमे सब आसीकी मु आंब को चोरी करी खाउचो। आजि रह, तते नै आजि पंचायत बसेबी। से पंचायत रे फैसला हबो तोर कोन करा जिवो। तापरे मिट्टू सुआ अचुकु नै कोटिए गच्छ रे बांधि दिए। एही घटना जंगल सारा व्यापी जाय। आलो चंपा, जानिचु कि नै रानु चढ़े रो पुआ आजि मिट्टू सुआ बगीचा रो आंब चोरी करूथिला। मिट्टू सुआ रानु चढ़े पुओ को नेकी गोटे गच्छरे बांधिकी रखिची। तमे सत कहुचो ना कोन झुनु दीदी? रानु चढ़े तो बहुत भल, ता पुओटा एमती केमती बाळुंगा हला, एडे चोर हला। सबु पक्षी माने एमिति आसी कथा होउथांती। सेपटे मा चढ़े ओ बापा चढ़े घर को फेरी आसंती। अरे पुओ राजु, तू तो अछु, तो भाई अजु कुआडे गला? मामा, मु भाई को केते मना कली हेले सीएम कथा सुनिलानी।
जगु सहित मिसि मिटुसुआ अंकलको आंब बगीचाको आंब चोरी करिया पई जाईचि। कोन कहिब से पिलाकु आजि एई दिन देखिबार थिला हमर आजि आसुसि बाडेकि त पिठिर जदि चोपा न छडै देउचि ताले तई मते कहिब। सेही समय रे तांका कबाटको बाहर पटु किए ठक ठक करे से माने कबाट खोली देखंती त जगुआली पखी तांको घर पाखरे छिडा हेचि। जाईलु कि रानु चढै तो पुआ अजु मिटुसुआ आंब बगीचार आंब चोरी करूला बेले धरा पड़ी। मिटुसुआ तो पुआ को लेकिन गोटे गछरे बांधिक रखी आउ पंचायत बसव बोली कहूँ तुम्हें दीज पंचायत पाखक आस। हे प्रभु कौन हब जे ये मिटुसुआ मो पुआ को बाड़िया बुड़ी करनी तो नाई नाई मिटुसुआ तो पुआ को मरामरी करनी तुम्हें दीज बेगी पंचायत पाखक आस। पुआ राजू तू घर था आम जाऊ तो भाई की मुकुक आनबू तो भाई मिटुसुआ आंब बगीचार आंब चोरी करूला बेले मिटुसुआ तो भाई की धरिकी गोटे गछरे बांधि देइछि। मामा मु भी तुम सांगरे जीवी। नाई रे पुआ राजू तू घरे था आम न आसवा जाए तू घर छाड़ी कुआडे भी जीवुनि। तापरे मा चढ़े ओ बापा चढ़े अजु बंधा हेतिबा गछ पाखकु पळै जांती। मा मु आउ अजु मिटुसुआ आंब बगीचा को आंब खाइया पई जाइथिलु मु तो लुचिकी खसिकी पळै आसिली हेले अजु को मिटुसुआ नै जाइछि। आरे पुओ जगु तते जे भी पचारिबो मिटुसुआ आंब बगीचा को जाइकी आंब खाइथिबा कथा तू जमारि मानिबुनी कहिबु कि दिन सारा तू आजि घरे थिलु आउ अजु को आजि दिन सारा देखिनु बोली भी कहिबु। पुओ जगु चल आमे जिबा पंचायत पाखकु देखिबा सेठी कोन होउछि। तापरे गोरिकाउ ता पुओ जगु को नै अजु बंधा होइतिबा गछ पाखकु पळै जाय सेठारे सब पक्षी माने पहुंची जाई थांती। देखो समस्ते मु केते परिश्रम करी मु आंब बगीचा रे आंब फळौची ए चोर आसी मु आंब बगीचा रु सब आंब नैकी पळौची तमे माने आज निष्पत्ति नियो ए चोर रो कोन करा जीव कोन आउ करिवो सब भूल तथा मां बापा रो ता मां बापा ताकु चोरी करिवा सिकेइसंती। मामा मोर किछि भूल नाही तमे राजू को पचारो मु त मोर घरे थिली जगु मते मिटुसुआ को आंब बगीचा को नैकी गला आंब चोरी करिया पई। माँ अजु मिछ कहूँ मु तो आज सकाल टू अजु को देखनी मु तो आज सका आम घर थी समस्ते शुणिल तो मो पु कथा मो पु केछ कहेनी मो पु तो बहुत भल ए चोरी विद्या मो पु को जना ना। अरे चोरी करुवा समय जी भी धरा पड़ब सीए ही चोर रानु चढ़े पु चोरी करुला बेले मु रानु चढ़े पु को धरी रानु चढ़े पु ही चोर मुआ को छाड़ी हेले गोटे सर्ते मिट्टु भाई तमे जहाँ भी शर्त कहिबो आमे सेथिरे राजी हबु हेले तमे मो पुओ को छाड़ी दियो मो पुओ को तमे मारोनी। मिट्टू भाई तमे मो पुओ को छाड़ी दियो ता बदल मते बाड़ाओ पछे एमिति केमिति छाड़ी देबी ए चोर को आकु जदि मु आज छाड़ी देबी एमिति ये जाई पुणी मो आंब बगीचार आंब चोरी करिबो तमे जदि सबुदिन पई ए जंगल छाड़ी चली जीव ताहले मु तमो पुओ को छाड़ी नहले तमो पुओ को मु छाड़ीबिनी। मिट्टू भाई ए जंगल छाड़ी आमे कुआडे जीवु जे ए थरी को आमको छाड़ी दियो आउ दिने भी आमो पुओ तमो आंब बगीचा को जीवनी। मिट्टू भाई थरुटिए आमको छाड़ी दियो ए जंगल होउची आमो बासस्थान ए जंगल छाड़ी आमे कुआडे जीवु एते बड़ अन्याय आमो उपरे करनी। मु से सबु किछे जानिनी तमे जदि ए सर्तरे राजी हबनी ताहले एटी तमो पुओ को मु बाड़े बाड़े मारी देबी। हौ ताहले ठीक अछि मिटु भाई तमे मो पुओ को छाड़ी दियो आमे सबु दिन पई ए जंगल छाड़ी चली जीवु। तापरे मा चढ़ेयो बापा चढ़ेई घर को पळै जांती से माने समस्ते से ही जंगल छाड़ी जीवा पाई बाहर थांती। से ही समय रे मिटु सुआ सेठा को पळै आसे तमे जंगल छाड़ी कुआडे भी जीवा दरकार नहीं प्रकृत चोर किए धरा पड़ जाइए जंगल गोटे पक्षी मत सब सत कथा कहीदी से गोरी काउर पु जगु सीए बड़ चोर तुम पुओ को से घर डाकिक नहीं कि मो आंब बगीचार आंब चोरी करूला। मिट्टू भाई मु जानी मो पु दुष्ट होपे हेले सी के चोरी करनी मु तो आज से माँ पिए कथा बुझी से माँ पिए को आज मुझे जंगल रु सबुदिन बाहर करदेवि। परे कोरी काऊ आउ ता पुओ जगु को सबु दिन पाई सही जंगल लु बाहर कर दिया जाए।